फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है खान सर हम लेंगे कैलाश पर्वत को। हाँ, चलो देखते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पीओके इन नेताओं से वापस नहीं आएगा। टेंशन क्या लेता है, टेंशन नहीं लियो, कैलाश पर्वत वापस आएगा। और हाँ, उस कैलाश पर्वत जब वापस आएगा तो कांवर यात्रा दो बार होगा। कांवर यात्रा दो जगह, एक वो कहाँ होगा, बोलबम झारखंड में, देवघर में, झारखंड के कहाँ पर, देवघर में। और एक कहाँ होगा, कैलाश पर्वत पर। असली हेड ऑफिस कहाँ है, कैलाश पर्वत चाइना में। तब तक शांति से रहिए जब महाकाल के भक्त इतने खतरनाक है, सावन में एक बार कांवर यात्रा को यहाँ से देवघर से घुमा के सिपकिला दर्रा होते हुए कहाँ पहुंचा देना है, कैलाश पर्वत में। समझ में आ गया कि नहीं, बोल बम। समझ में आ गया, चाइना वाला भाग जाएगा, सब कहेगा सब कि क्या बोल रहा है सब, बोल बम, बम लेके आया है सब, भागो भागो, ये क्या पहन के आया है सब। और शंकर जी के भक्त को रोकेगा, अरे ससुरा तेरे मार कांवर यात्रा में फूर देगा सब। तो कैलाश पर्वत को भी वापस लेके आना है, इन सबका ब्याज जोड़ के रखे। समझ में आ गया, सबका बदला लेगा रे, फिल्म में बोलता है ना, बाप का भाई का सबका बदला लेगा, पीओके का, अक्साई चीन का सबका बदला लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस सबका बदला लेके रखना हम लोग को, कैलाश पर्वत का भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर आज के डेट में हम चाइना से जाके उलझ जाते हैं तो चाइना को कुछ खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने अपने 20 साल का पैसा रख चुका है। समझ में आ गया कि नहीं। अब जैसे मान के चलो, हमसे अगर कोई बेचारा छोटा मोटा बिजनेस करता है आके लड़ जाएगा तो हमको क्या दिक्कत है भैया, हम एक साल तक नहीं हो रहेगा तो फिर खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो डेली कमाने वाला है उसका 10 दिन का पैसा ही रहता है। तो कभी भी याद रखिए कि लड़ाई हथियार से नहीं, पीछे से पैसा होना चाहिए, तो इसलिए समझदारी चाहिए। अब जेलेंस्की को समझ में आया नहीं, लड़ गया, हालांकि हमने बताया था। समझ में आ गया नहीं आ गया, हमने बताया था कि जेलेंस्की भाई तू गलती कर रहा है, मन भी नहीं किया। हम हमेशा बताते रहते हैं जो हमारा कर्तव्य रहता है। मोदी जी को भी बोले थे गलती से झगड़ा कर लीजिए, तो मोदी जी मान गए, धाय दे ब्रह्मोस चला दिए, कहती है गलती से चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप बताओ, हम तो अपना काम कर ही दिए, ठीक है, आप टेंशन नहीं लियो, पीओके इन नेताओं से वापस नहीं आएगा। क्यों? पीओके लाएंगे हम लोग के विद्यार्थी। एनडीए का बैच स्टार्ट है, सीडीएस का बैच एक हफ्ते के अंदर आएगा, और ये जैसे बच्चे जाएंगे, हम लोगों ने इसका टारगेट रखा है लगभग 2027 से 28 में। समझ में आ गया, जब 2028 में 1928 में साइमन कमीशन आया था तो हम लोगों ने विरोध किया था, साइमन गो बैक। उसी का वर्षगांठ 100 साल मनाने के लिए 2028 में घुस जाया जाएगा पीओके में, और उस समय बोले थे 100 साल पहले साइमन गो बैक, पीओके में घुस के 2028 में बोलेंगे पाकिस्तानी गो बैक। ये 100 साल के वर्षगांठ पर मनाया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, एनडीए सीडीएस का बैच हम सौखे लाए हैं, हमारा भरोसा उठ गया इन मशरूमों के ऊपर, ये भारत माँ का धज्जी उड़ा देंगे सब, ससुरे सब, कोई जरूरत नहीं हम इनके मोहताज होने के लिए, हम अपना खुद जमीर बनाएंगे, हमारे खुद के विद्यार्थी रहेंगे, और हमारा विद्यार्थी ससुरा गोली खत्म हो जाएगा, चाकू से मारेगा ससुरा, लाहौर से दांते काट लेगा ससुरा, लो यहाँ पे हमारा विद्यार्थी सब फौलाद होगा, सब एकदम फौलाद। लड़की सब भी जाएगी सर सीडीएस में, लाइकवा पकड़ पकड़ लाएगा सर, दे देगा ये सब, कोई दांते काट काट मार देगी सर, झोटा नोचेगी सब, दू गो आ दू गो गरियाएगी सर, रे चट्टा कहीं का तोरा कीड़ा पड़ तो भारत पे आया है, तोरा अब्बा मर्जी तो मर मर लड़का अब्बा मर्जी सरापेगी सर, दू गो मारेगी सर उसको। समझ में गया कि नहीं, डेट याद रखियो 2028 किसके वर्षगांठ पर, साइमन कमीशन पे, लाला लाजपत राय को लाठियों से मार के साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों ने मार दिया था। हो सके तो उस समय हमारा लाठी मार मार के पगला दे सब भारत का वाला कि मास्टर पगला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा विद्यार्थी को ना रोक पाएंगे लोग। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का 100वीं वर्षगांठ हम बकाया होने नहीं देंगे। आप लोग हैं है? आप नहीं है जी, हमारा विद्यार्थी को कोई रोक पाएगा, ट्रेलर दिखा दिए थे, आपको क्या लग रहा था ये सब प्रैक्टिस था, युद्ध से पहले कैसे किया जाता है प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस चल रहा था। मेन लड़ाई कब होगा, 2028 में, आप उस समय तक नौकरी पे कहीं ना कहीं लगे रहेंगे, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा, जब देश की बात आएगी तो आप अपने घरों से निकलेंगे,
ससुराल इन नेताओं के बस का नहीं है भारत माँ का आंचल वापस ले आए सब। हमारा सर का ताज एक और ससुराल चाइना ले गया है, एक और पीओके ले गया है। इन ससुरों से अब विनती नहीं, अब रण होगा। अब कोई विनती नहीं होगी, हमारा पीओके वापस कर दीजिए। चलो तुम्हारा लाहौर भी लेके आएंगे ब्याज जोड़ के, कट्टा कहीं का। राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी और यहाँ ससुरा दलाई लामा पीओ अक्साई चीन के साथ साथ शंकर जी का कैलाश पर्वत भी चाइना में है। अभी बताओ इस हरामी के बच्चे को इसने तो रखा है, यहाँ पर कैलाश पर्वत है। हम सियाचिन लाएंगे 1962 से इतने दिन का ब्याज जोड़कर अपने महाकाल को आजाद कराएंगे, कैलाश पर्वत। समझ में आ जाएगी नहीं आ गया? अब कैलाश पर्वत वहां पर, और इसको जाने में ज्यादा जमा नहीं लगेगा। हम फौज में नहीं गए तो क्या हुआ, 1000 फौज को ले जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और फौज में जाने के बाद भी समझ में आएगा हमारा विद्यार्थी जब जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लियो, आप जहां भी रहिएगा, बस आपसे विनती यही है हाथ जोड़ के कि जहां भी नौकरी में रहिएगा, जब देश के लिए आवाज दिया जाएगा आपको आना पड़ेगा। क्योंकि यह देश के लिए, यह देश का कर्तव्य नहीं है कि वह हमारे लिए कुछ करे, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए करें। जिस दिन जान देने को होगी उस दिन लाइन लगा के आगे आएंगे कि पहले हमारा प्राण जाएगा। इन ससुरों से कुछ नहीं होगा, मशरूम सल्लों से। 5 साल में एक बार बरसाती मेढक की तरह चिल्लाएंगे सब। याद कीजिए बोला गया था लाला लाजपत राय ने कि अगर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय ये लोग गरम दल वाले थे, इन्होंने कहा था कि साल में एक बार बरसाती मेढक की तरह टर टर चिल्लाएंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। इन ससुरों को आजादी चाहिए, हम लोग ले आएंगे लोग। सीडीएस में एनडीए में अब लड़की भी जा रही है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े थे लोग, क्योंकि लड़कियों का साथ नहीं था, महिलाओं का साथ चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं? हर महिला को सोचना चाहिए, अगर वो सरस्वती और दुर्गा की तरह है, अगर लक्ष्मी की तरह, सरस्वती की तरह अगर शालीन रखती है, अगर उसमें शालीनता है, तो हर व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह महिला काली का भी रूप ले सकती है, वो दुर्गा का भी रूप ले सकती है। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि जब तक जरूरत ना पड़े आराम से शांति से सरस्वती की पुजारी की तरह बैठे रहिए, लेकिन जब देश की जरूरत पड़े वही रक्त चाटने वाली काली का रूप धारण करना है। अब बाकी चंडाल लड़का सब तो है ही, ऐसे दलित दर से तक दांते काट ले आएगा सब। आप सबको पुरलिया याद हो गया? समझ आगे कि नहीं आएगा? बाकी हथियारों के ट्रेनिंग के लिए हम आइए, हम आपको मिसाइल, बम, बारूद, ग्रेनेड, मशीन गन इस सब बता देंगे हम आपको धीरे धीरे धीरे। एक बार बताएंगे तो सब भाप जाएगा सब। खान को ना तैयारी में है, समझ आ गया कि नहीं? आप यूट्यूब पे देखिएगा, हम ग्रेनेड मारना सिखा चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो धीरे धीरे अब मशीन गन, पिस्टल, माउजर, धीरे 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 धीरे, ताकि पता ना चले। और 2028 तक फुल तैयारी में आगे बढ़ जाए। टैंक चलाना भी सिखा दिए, देखिए कड़ाई की सर, टैंक चलाना भी सिखा दिए। बस तोप चलाना बाकी है, उसमें 4 फिगर और 8 फिगर जरूरत होता है, वो भी पता चल जाएगा। टेंशन मत, आर्मी साथ दे देगी ना, बस हम लोग को शुरुआत करना है, बाकी तो यही पे करेगा सर। घूस जाएगा ले, भारत माता की जय। गंगा क्या ना, उधर पंजाब रेजिमेंट है ये, यहाँ पर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, मार ससुरन को धो धा के चल देना इधर से। तो पुरलिया समझ में आ गया, AK-47 पुरलिया में AK-47 लाया गया था, AK-47 कोई जांच पता ही नहीं चला यार, तो हम कहां से बता देंगे आप लोग को? आप लोग को लग रहा है जैसे सर नहीं बता रहे क्या जांच हुआ? जांच हमारी काम थोड़ी होती है, गवर्नमेंट ने जांच करके क्या किया बताया ही नहीं यहां पर। अब आप मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, इस पुरलिया के नीचे खड़गपुर होगा, इस पुरलिया के नीचे खड़गपुर, ध्यान से देखिए, पुरुलिया के नीचे खड़गपुर, पुरुलिया के नीचे खड़गपुर, खड़गपुर मिल गया, खड़कने से कुछ खड़कता था पहले। खड़गपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा था, खड़गपुर, सोनपुर और गोरखपुर, अभी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर, चाइना भी बना रहा है उससे बड़ा बना है। खड़गपुर में IIT है, खड़गपुर में क्या है, IIT है, बहुत ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन लोग खड़गपुर IIT से निकले। IIT बहुत बेहतरीन चीज है अपने आप में, IIT, IIM, एम्स, ये सब चीजें बहुत बेहतरीन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी काफी बेहतरीन है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी साउथ में रहती है, IIT मुंबई, ये सब बहुत अच्छी अच्छी संस्था है सब। जितना चौपट मिलेगा ना आपको सब कहाँ डाल देगा सब, बिहार में IIT पटना उतना बढ़िया कैंपस ही नहीं है। IIT ये सब चीज में बिहार काफी पीछे है, क्योंकि बिहार में किसका राज चलता है, मशरूमों का। किसका है? मशरूम का। वो कौन है? आगे बढ़ जाए,
क्या बात करता है चाइना को, सोच रहा उस चाइना को। तो फ्रेंड्स मजेदार था वीडियो, वो तो है, मेरे को तो शौक लगता है जब भी मैं सुनती हूँ भैया हमारा कैलाश पर्वत ही नहीं है, चाइना ले गया। तो वही मैं इनसे पूछ रही थी, तिब्बत में था, तिब्बत पूरा चला गया, उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था, मगर दुख की बात है कि तिब्बत को नहीं बचा पाए तो कैलाश भी चला गया, वरना तिब्बत तो बहुत फ्रेंडली नेशन था। और ये शौक लगा था मुझे पहली बार जब मैंने तिब्बत की लैंग्वेज देखी थी कि वो चाइनीज से बिल्कुल मिलती नहीं है, हिंदी से मिलती है, स्क्रिप्ट टाइप ऐसे लगती है, नीचे लिखते हैं। तो बहुत शौक लगा था कि तिब्बत, इसीलिए एक जमाने पे हमारा कोई नेबर नहीं था चाइना, तिब्बत था नेबर। अच्छा, और मुझे उससे बात याद आ रही है, परसों की बात है, पापा से पता नहीं क्या बात करो, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि पापा से कितनी बात करते हो, हमारी इंडिया से रिलेटेड बातें होती रहती है, न्यूज पापा न्यूज सुनते हैं, फिर मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं भी आजकल इतना हम लोग रिएक्शंस करते हैं तो मेरे पास भी बड़ी नॉलेज होती है, तो उनको दिखाती हूँ मेरे को भी आपसे इंडिया से, इंडिया का मुझे भी बहुत पता है। तो ऐसी कुछ बात हो रही थी तो पापा का एक बात मुझे बहुत ही, मैंने कहा अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था ये बात, पता नहीं आप लोगों ने इस बारे में सोचा कि नहीं। तो पापा ने मुझे जो बात बताई, मैंने कहा हाँ ये तो कमाल की बात बताई है कि चाइना ने जो तिब्बत लिया है, क्यों, उन्होंने तो अपना एक कुशन बना लिया है कि अगर वॉर होए तो अपनी जमीन पे नहीं होगी, तिब्बत में होगी, उन्होंने तो अपना एक कुशन बना के तिब्बत इसीलिए लिया कि ये हमारा कुशन होगा, वॉर हुई तो तिब्बत में हुई, हमारा जो पार्ट ऑफ है जो चाइना एक्चुअल है वहां कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कुशनिंग की हुई है। तो मैं वही सोच रही थी हमारे इंडिया के पास तो कोई कुशनिंग ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तो ये एक एंगल बहुत बड़ा था, वो कहते हैं ये दिमाग, ये चालें होती हैं जो कंट्रीज जो होती हैं इस टाइप की, वो ये सोच के करती हैं। जो था बहुत ही हारमोनियस था, पीसफुल था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, चाइना आया ले गया, इंडिया भी उस वक्त स्ट्रांग नहीं था कि कुछ कर सके या गवर्नमेंट को भी एग्रेशन, वर्ल्ड ने भी कुछ नहीं किया, वर्ल्ड तो कुछ नहीं करता, मगर इंडिया में अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग होती तो वो कुछ एक्शन ले सकती थी, किया नहीं। फिर हमने देख लिया रिजल्ट क्या हुआ, एयरफोर्स को नहीं इन्वॉल्व करने का रिजल्ट क्या हुआ, जबकि एक समय पे उस समय जब इंडिपेंडेंस मिला था चाइना और इंडिया की एक ही इकॉनमी थी, ऑलमोस्ट एक ही गरीबी थी, एक इकॉनमी थी, मगर क्योंकि गवर्नमेंट ने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट, मतलब ज्यादा एक्टिवली पार्ट अग्रेसिव होना चाहिए था, एयरफोर्स को नहीं भेजा, और चाइना के पास तो उसको एयरफोर्स भी नहीं था, तो एयरफोर्स भेजते कुछ करते तो बहुत आउटकम डिफरेंट होता लाइफ में। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सरदार पटेल होते और सुभाष चंद्र बोस होते तो आज ये डिफरेंट इंडिया होता। तो जो है सो हो गया, अब यही है कि आगे बढ़ना है सही तरीके से, और काफी अच्छा वीडियो था, काफी बातें कवर की थी, वेरी नाइस, मजेदार था। अब देखते हैं 2028 में कह रहे हैं, तो वेट कर रही हूं भैया मैं तो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।